हाय एवरीवन, नमस्ते। अर्चना राठौर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है बर्फ़ी की। इस बर्फ़ी को मैंने तीन चीज़ों से बना के रेडी किया है। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं तीन चीज़ों से बर्फ़ी की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है और उसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे घी मैंने आधा कप लिया है। जो मेजरिंग की कप होते हैं उस कप से मैंने आधा कप घी लिया है। आप चाहो तो कौन सी भी कटोरी ले सकते हो। घी को मेल्ट होने देना है, घी को हमें गर्म नहीं करना है, बस मेल्ट होने देना है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मैदा। मैदा यहाँ पे मैं एक कप डालूँगी। अगर आप एक कटोरी घी लेते हो तो दो कटोरी आपको मैदा डालना है। और मैदा जो है वो अच्छे से छानने के बाद ही डालिएगा, ताकि जब हम घी के अंदर मैदा डालेंगे तब इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो। तो धीरे धीरे से इस तरीके से चलाते हुए हम घी के अंदर मैदे को इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले तो ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, भूनने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको भूनते जाओगे इसके अंदर का जो घी है वो बाहर निकलना स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे ये घी बाहर निकलना स्टार्ट होगा वैसे वैसे आपको इस मैदे को भूनने में आसानी होगी। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम मीडियम गैस पे इस मैदे को भूनते रहना है। याद रखना है मैदे का जो कलर है वो चेंज नहीं करना है हमें। तो लगातार हमें चलाते हुए मैदे को भून लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैदे ने अच्छे से घी छोड़ना स्टार्ट किया है और ये जो मैदा है वो पतला भी होने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ये सॉफ्ट होता है मैदा, तो इसी वजह से हमें बाद में इसको भूनने में बहुत ही आसानी होती है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है, एक या डेढ़ मिनट तक। और ये मैदा जो है अच्छे से लगभग यहाँ पे 80% भून के रेडी है, लेकिन इसका जो कलर है हमने चेंज नहीं होने दिया है। और उसके बाद लगभग हमें इसको भूनने के लिए 7 से 8 मिनट लगे हैं। और उसके बाद मैंने पैन को नीचे उतार दिया है और फैन के नीचे हम इसको ठंडा करेंगे। और ये अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी। तो मैदा हमने एक कप लिया था, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे पीसी हुई जो चीनी है एक कप को बस थोड़ा सा कम लूँगी। आप चाहो तो एक कप मैदे के लिए एक कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मीठा कम इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीनी डालते हुए, यानी कि पीसी हुई चीनी डालते हुए मिक्स करते जाना है। आप चाहो तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने भी थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है, लेकिन ये ऑप्शनल है, यानी कि इलायची पाउडर ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने अभी डाल दी है इलायची पाउडर। फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाथों से भी मिक्स किया है इस तरीके से, और ये हमारा मिश्रण रेडी है बर्फ़ी बनाने के लिए। बर्फ़ी को सेट करना है पहले, तो चलिए इस मिश्रण को हम दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप चाहो तो प्लास्टिक का जो डिब्बा होता है उसमें भी बर्फ़ी बना सकते हो, लेकिन मेरे पास जो केक का मोल्ड होता है उसमें मैं बर्फ़ी सेट करूंगी। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसमें। लेकिन पहले हमें थोड़ा सा घी लगा लेना है, ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो नीचे की साइड में चिपके ना। तो इसलिए हमने अच्छे से घी लगा लिया है और मैदे को इसमें डाल देंगे। जब मैंने पीसी हुई चीनी डाली थी तो ये अच्छे से ठंडा था, यानी कि मैदा जो था वो ठंडा था, लेकिन बस थोड़ा सा कसर होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा गर्म होना चाहिए तब। तो यहाँ पे मैंने मैदे को सेट करके फ्रीज़र में रखा था 1 घंटे के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे सिल्वर पेपर लगा लेंगे, ये भी ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसको भी स्किप कर सकते हो, इलायची पाउडर और सिल्वर पेपर को स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बिना सिल्वर पेपर और इलायची पाउडर का भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है।
मतलब ये जो बर्फ़ी है ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से हम कट करेंगे और बर्फ़ी को निकालेंगे। तो चाकू से ही हमें पहली वाली जो बर्फ़ी है वो निकालने में बस थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बर्फ़ी निकल जाती है बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे ये पहली वाली बर्फ़ी मैंने निकाल दी है, बहुत ही परफेक्ट हमारी जो बर्फ़ी है वो रेडी है। इसी तरीके से सारे जो बर्फ़ी के क्यूब्स है हम निकाल लेंगे और ये हमारी बहुत ही टेस्टी मैदा बर्फ़ी रेडी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और वीडियो को भी लाइक किया है। तो चलिए बाय।